جانسار بے شمار بے شمار تخت پرویش تیرے جانسار بے شمار جگہوں سے بھی لوگ آ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ بہتر جو فوٹیج چلائیں ٹیررسٹ ٹیررسٹ الطاف ٹیررسٹ 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 الطاف بے شمار تخت پرویش تیرے جانسار بے شمار بے شمار الطاف ٹیررسٹ 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 پاکستان کے دشمنوں ہم تمہاری موت ہیں تمہاری موت ہے مزدوروں کے دشمنوں ہم تمہاری موت ہے فاروق کے قاتلوں ہم تمہاری موت ہے قاتل قاتل تحت عمران کا قاتل تحت عمران کا قاتل سعید کا قاتل But in your country, right in the London, they say that the money laundering के बुनियाद पर MQM के दफ्तर पर हमला का छापा होता है पड़ता है लेकिन अफसोस MQM की दहशतगर्द कैमरों से कि तुम्हारे शहर लंदन के अंदर एक दहशतगर्द बैठा हुआ है जिसने कराची के अंदर तो यरगमाल मीडिया को बनाया है लेकिन इसने लंदन के अंदर भी मीडिया को आज हम इधर लंदन में जमा हुए हैं आज हम लंदन में जमा हुए हैं ताकि अल्ताफ हुसैन जो टेररिस्ट है जो टेररिस्टों का डॉन है उसका अरेस्ट किया जाए हम रिक्वेस्ट करते हैं स्कॉटलैंड यार्ड से कि वो इसको अरेस्ट करें कराची के बल्दिया टाउन में 260 मजदूर गरीब मर्द और औरतों को बेगुनाह कत्ल किया गया अंदर वहाँ लग कर गए आज हम पूरे बरतानिया से लोग यहाँ जमा हुए हैं कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उसके अलावा जो पाकिस्तानी पुलिस के पास दो MQM के इमरान फारूक के कत्ल केस में दो टेररिस्ट हैं उनको बरतानवी हुकूमत के हवाले किया जाए कम्युनिटी का और पाकिस्तानी कम्युनिटी का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आज जो लोग इतनी सर्दी में आए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ उन फैमिली के साथ उन खानदानों के साथ यकजहती करने के लिए जिनको बल्दिया टाउन फैक्ट्री में शहीद कर दिया गया जिंदा जला दिया गया और पहली बार पाकिस्तान की तारीख में GIT रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रही है जिसमें ISI के नुमाइंदे हैं IB के MI के पुलिस के जनाब इस कत्ल के पीछे अल्ताफ हुसैन और उसकी माफिया उसकी तंजीमें मौजूद हैं मैं समझता हूं कि मियां साहब जनरल रायल शरीफ साहब के आपके पास ये गोल्डन मौका है कि कराची को आप दहशतगर्दी से पाक करें हम चाहते हैं कि MQM पॉलिटिक्स करे लेकिन ये अपने लोगों को ना मारे मासूम लोगों को ना मारे वली बाबर को मारा साफियों को मारा और मैं यहाँ पर यकीन दिलाता हूँ उन मुतासरीन को जो सायना बल्दिया में शहीद हुए कि हम बींग फ्रेंड्स ऑफ लियार इंटरनेशनल बींग हबीब जान हम आपको कानूनी मदद तेरी इंसाफ की आई हुई है बट सारे ओवरसीज पाकिस्तानी आए हुए हैं ब्रैडफोर्ड से आए शेफील्ड से आए सब है हम आए यहाँ पे अपना सौरो अपना प्रोटेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में एक्सप्रेस कर दें कि खुदा के वास्ते जो कत्ले आम आपने किया हुआ स्पेशली कराची के अंदर MQM वालों ने उसको बस करो 250 से ज्यादा लोग वो फैक्ट्री के अंदर जला दिए गए कत्ले आम कर दिए गए स्लॉटर कर दिए गए कोई इंक्वायरी होनी चाहिए कुछ उसका हिसाब पता होना चाहिए कुछ भी नहीं हो रहा वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है वो MQM के साथ कोलिशन करके वो उन्होंने गवर्नमेंट भी साथ फॉर्म करी हुई है सेनेट के इलेक्शन भी साथ मिलकर लड़ रहे हैं और जब कत्ल होता है तो एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं वो बात खत्म हो जाती है देयर शुड बी अ फर्म इंक्वायरी इनटू इट पूरा इंक्वायरी होनी चाहिए इंक्वायरी के बाद अगर इनको बुलाना है तो यहाँ से इसको बुलाया जा सकता है हुसैन को पाकिस्तान ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्सपेल करना चाहिए ये हाथी बदमस्तों ने इमरान फारूक को लंदन में मारा और समझे कि लंदन पुलिस भी कोई चौधरी असलम की पुलिस है चार्ज हो गए मुकदमा चल रहे इन्होंने ला के पंजाबी धोती इतनी नफरत कर दिया और किसी और से क्यों मांगे सरकारी के साथ भी मेरे मुसलमान दोस्तों
ऑपरेशन होगा तो कश्मीर उसमें ये नौजवान कराची। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान की फौज ने, रेंजर्स ने, आर्मी ने जीआई की रिपोर्ट बनाई है। जोर से बोले, जोर से बोले, किलर किलर।